के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने वॉलेट में कोर कॉइन लेकर आने हैं। ऑलरेडी 26 एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज से आप कोर कॉइन अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊपर यहाँ डॉलर में बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्कवर में जाकर डैप ब्राउजर को क्लिक करना होगा और रेफरल लिंक का उपयोग करते हुए कोर वेरियस के होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको वॉलेट स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करना होगा और यह पेज ओपन होने पर सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पासवर्ड पर क्लिक करना है और सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करना है। इस सिक्योरिटी पासवर्ड को याद रखना है और ये दोबारा कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे 12 रिकवरी फ्रेज याद रखनी जरूरी है, ऐसे ही यह सिक्योरिटी पासवर्ड भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आप वॉलेट के पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पासवर्ड को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पासवर्ड को बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है और याद भी रखना है। पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड डालें, फिर एक बार कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिर से डालें और अपडेट नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद ये फीस वाला पेज ओपन होने के बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके वॉलेट का पासवर्ड डालना होगा जो आपने टोकन पॉकेट में अपना वॉलेट बनाते हुए रखा था। पासवर्ड डालने के बाद फिर से कंफर्म करना है। अब हमें यहाँ थोड़ी से टाइम के लिए सक्सेसफुल शो होगा और नीचे दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन सक्सेसफुली स्टोर्ड, अर्थात आपका पासवर्ड परमानेंट सिस्टम में सेव हो चुका है। अब हमें वॉलेट स्टैटिस्टिक्स पेज को ऊपर से क्रॉस मार्क पर क्लिक करके कट करना है और मेक डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेक डिपॉजिट को टच करते ही हमें यहां तीन कॉलम दिखाई देंगे। पहले कॉलम में जितने डॉलर से हम आईडी टॉप अप करना चाह रहे हैं वो अमाउंट लिखनी है। सेकंड कॉलम में जिसकी भी आईडी हम टॉप अप करना चाह रहे हैं, अपनी टीम की आईडी भी हम टॉप अप कर सकते हैं, वो एड्रेस फिल अप करना है। और थर्ड कॉलम में आपको अपना वॉलेट पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड अभी हमने बनाया था। अब आपको डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करना है। आपके वॉलेट से ओरिजिनल को कितने कट होंगे और एयरड्रॉप वॉलेट से कितने को कट होंगे, और अगर स्प्लिट वॉलेट आपके पास अवेलेबल है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है, अपना वॉलेट पासवर्ड एंटर करना होगा और फिर से कंफर्म पर क्लिक करना होगा। कुछ समय प्रोसेसिंग शो होने के बाद ऊपर सक्सेसफुल शो हो जाएगा। अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट में व्यू हिस्ट्री में जाकर अपनी डिपॉजिट हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं।